spectrum of EM waves. ठीक है, ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहली वेव मुझे जो पता है वो कौन सी है, गामा, उसके बाद एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले कौन सी है हमारी, गामा रेज, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी मैक्सिमम और वेवलेंथ क्या है मिनिमम। तो रेडियो वेव से मुझे क्या लिखना चाहिए, फ्रिक्वेंसी कैसी है मिनिमम एंड वेवलेंथ मैक्सिमम, और ये ऑर्डर में है, इसका मतलब इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि वेव्स को अरेंज करने को बोल देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ऑर्डर याद करना काफ़ी मुश्किल था, मुझे नहीं याद होता था, तो फिर मैंने ऐसे याद करा। घोड़ा एक्स किस स्टूडेंट ने मुझे बताया था, उड़ने वाला इंडिया में रहता है। उससे फायदा क्या हो, मुझे ये फ्लो याद हो गया कि घोड़ा का मतलब, जी का मतलब क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, यू से क्या है, अल्ट्रावायलेट, वी से क्या है, विजिबल, इन से क्या है, इन्फ्रारेड, मे से क्या है, माइक्रोवेव, और आर ए से क्या है से कुछ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में अरेंज करने को आएगा, इनके वेवलेंथ को भी हमें याद करना पड़ेगा। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ मुझे याद है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से बड़ी तो डेफिनेटली कौन सी वेव है, रेडियो वेव। तो माइक्रोवेव 10 सेंटीमीटर से बड़ी होंगी या छोटी होंगी, अगर रेडियो वेव 10 सेंटीमीटर से बड़ी है तो जैसे जैसे टेबल में हम ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, कम हो रही है, इसका अलावा माइक्रोवेव सेंटीमीटर पे ख़त्म हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर पे, और स्टार्ट कहाँ से होती है, मिलीमीटर में। ठीक है, तो माइक्रो से मैंने क्या याद कर लिया, मिलीमीटर, तो माइक्रोवेव क्या होगी 1 मिलीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। इंफ्रारेड स्टार्ट कहाँ से होगी पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि एंड कहाँ पर होगी, 1 mm पे। विजिबल लाइट समझते हो, किसी को वेवलेंथ याद है इसकी, 400 to 700 nanometer, राइट। नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 720, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स क्या आते हैं, 400 to 700, इसलिए मैंने ऐसे याद कर लिया। समझ में आया, मैं किसी तरीके से याद करना है, तो मैंने याद कर लिया 400 to 700 हमारी कौन है, विजिबल, तो इंफ्रारेड कहाँ से स्टार्ट होगी, 700 से, और अल्ट्रा वायलेट कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, 400। ठीक है, अल्ट्रा वेव की स्टार्टिंग मुझे याद नहीं, बट मैंने एक्स रेज को याद करा हुआ है, 10 to power -3 nanometer to 1 nanometer। इसका अलावा अल्ट्रा वायलेट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 nanometer, और गामा रेज डेफिनेटली क्या होंगी, 10 to power -3 nanometer से भी छोटी। ठीक है, मुझे वेवलेंथ याद है, अगर फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ C=F λ। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है या स्पीड ऑफ वेव पता है और लैम्डा पता है तो क्या फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एग्जाम में यूजेज पूछेगा, हॉस्पिटल में होता है, कीमो डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, गामा रेस को डाल देते हैं उन सेल्स पे जिनमें क्या हो कैंसर होता है, कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा इसका यूज मुझे पता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो उनका स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करेंगे? गामा रेज। एक्सरे का मेजर यूज क्या है? बहुत ही मेजर यूज है रियल लाइफ में। गेम्स खेल रहे, गिर गए, सपोज हाथ पे चोट लग गई और बहुत ज्यादा पेन है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेंगे? एक्सरे करवाओ, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो पहला मेजर यूज क्या है? डिटेक्शन ऑफ बोन फ्रैक्चर। ठीक है, सेकेंड यूज है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल है या हेक्सागोनल है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, तो एक हाँ एक प्रोसेस होता है, शायद हो सकता है तुमने पढ़ा हो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, वैसा कुछ सिलेबस में, कोई बात नहीं। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में हम क्या यूज करते हैं? एक्सरेज। और एक्सरेज का यूज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता करने में। जैसे रदरफोर्ड ने क्या करा था? गोल्ड फॉइल पे क्या करा था? अल्फा पार्टिकल को फायर करा, उससे भी तो स्ट्रक्चर का आइडिया लगा था कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। तो अभी हम लोग कौन सा यूज करते हैं? एक्सरेज, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। एक्सरेज का यूज है सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एक्सरेज यूज करते हैं। और एक्सरेज का ज्यादा एक्सपोजर हमारी बॉडी के लिए गुड है या बैड है? बैड है, उससे कैंसर हो भी जाता है, तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए एक्सरेज में। रिकमेंडेड होता है 6 मंथ्स में मैक्सिमम 1 एक्सरे, मतलब एक्सरे बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करवाना चाहिए। और मैंने बोला कैंसर ट्रीटमेंट में मेनली हम कौन सा यूज करते हैं? गामा रेज, बट सम केसेस में एक्सरेज भी यूज करते हैं, मे बी माइल्ड फॉर्म ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है अल्ट्रावायलेट। इसका बेस्ट यूज मुझे समझ में आता है वाटर प्यूरिफायर, टीवी में ऐड आता है केंट आरो वाटर प्यूरिफायर, यूवी प्रोटेक्शन, यूवी लैंप्स लगाते हैं। तो यूवी लैम्प क्या होता है? वाटर में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को मार देता है। आई होप समझ में आया सबको। यूवी का काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना। तो अगर मैं एक ऐसा फूड चाहता हूँ जो फूड 1 मंथ तक खराब ना हो, नॉर्मली फूड अगर आज बनाया है तो 2 दिन में खराब हो जाएगा क्या बैक्टीरिया के डेवलपमेंट से? जो पैक्ड फूड होते हैं उनको, अगर एक ऐसा पैक्ड फूड है जो 1 मंथ तक ईटेबल है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ ऐसा करते हो ना जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो ना करने पाए। तो जो लोग लेह लद्दाख वगैरह में रहते होंगे या कोई तो ऐसी जगह पर जहाँ पर फूड डेली बनाना आसान काम नहीं है, तो वो लोग बहुत सारा पैक्ड फूड रखते होंगे। तो पैक्ड फूड में क्या खास बात होनी चाहिए? कि बैक्टीरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर उन फूड में क्या करते होंगे? पैकिंग के टाइम में यूवी रेज डालते होंगे बैक्टीरिया ना हो, बैक्टीरिया को तो खराब हो जाएंगे। ठीक बात है। दूसरा मतलब वो तो मेजर्ड होता होगा ना, तो इंडस्ट्री पे जब कोई काम होता है तो एक्यूरेट होता है ना, वो तो प्रोसेस होगा पूरा कि भाई कितना क्या डालना है। तो मतलब किसी भी चीज को स्टरलाइज करना है तो मुझे लगता है यूवी रेज हेल्पफुल है या नहीं है? बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए वहां पर, तो यूवी रेज में डाल दो। हाँ, वाटर प्यूरिफायर में यूवी रेज इसलिए डालते हैं कि अगर वाटर में कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया हमारे में स्टफ में चला गया तो ग्रो करेगा जिससे प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए उसको बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। दूसरा मैंने बोला लेसिक। लेसिक का कोई आइडिया है किसी को? आई सर्जरी होती है, स्पेक्स अगर हटाने हो तो लेसिक की आई सर्जरी करवाते हैं। ठीक है ना, लेसिक के ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना आई सर्जरी, LASIK पूरा है, लेसिक आई सर्जरी। मेन काम है स्पेक्स स्पॉट आने काम आता है, विजिबल लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक यूज किसी को और याद हो तो बताना, मुझे भी एक ही याद आ रहा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मेजर यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? रिमोट कंट्रोल में। जो रिमोट होते हैं इन रिमोट को क्या करो? मोबाइल कैमरे से देखो तो रिमोट से तुम्हें कोई रेज निकलते हुए दिखेंगे पर्पल कलर की, देखना घर पे करके। आईफोन में मत करना, आईफोन में नहीं दिखती, नॉर्मल और फोन्स में दिखती है मैंने देखा। आईफोन शायद फिल्टर कर देता है, मतलब मैंने अपने फोन से चेक करा तो नहीं दिखा रही थी, सैमसंग के फोन से मैंने देखा तो दिख रही थी पर्पल कलर की। तो घर पे एक बार चेक करके देखना। तो पहला यूज बताया मैंने इंफ्रारेड का क्या है? रिमोट। दूसरा यूज, अगर हमें फोटोग्राफ वगैरह लेनी है और बहुत ज्यादा फॉग है तो फोटो साफ आएंगी या साफ नहीं आएंगी?
तो उसके लिए भी फॉग कैमरे आते हैं अलग से, ठीक है, फॉग कैमरा मैंने लिखा है। एक बार मैं प्रोग्राम देख रहा था, शायद डिस्कवरी पे था या कहीं पर, पोलर बेयर्स के बारे में दिखा रहे थे, तो शूटिंग करने के लिए वो लोग कहाँ गए, पोल्स पे गए, तो पोलर बेयर बिल्कुल व्हाइट होता है, तो उन लोगों को पोलर बेयर दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो वहाँ स्नो ही स्नो है, तो पोलर बेयर दिखता ही नहीं था उन्हें, तो फिर उन्हें कौन से कैमरे यूज़ करे, इन्फ्रारेड वाले। उन कैमरे में क्या होता था कि बॉडी से जो हीट निकलती है वो हीट दिखाई पड़ती है, देखा होगा तुम लोगों ने, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उन कैमरे से जब देखा, देखा कि वो पास में बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा था, कैमरे से देखा दिख गया, बॉडी से जो हीट निकल रही उससे सेंस हो गया कि वहां पे बैठा हुआ है। या कई बार मैंने मूवीज में देखा है कि मिलिट्री वालों के पास ऐसे कैमरे होते हैं जो बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं उसको देख लेते हैं, हीट सेंसर, समझ में आया, हीट से, बॉडी की हीट से, ठीक है। तो इन्फ्रारेड का दो यूज मैंने बताया, रिमोट में, फॉग कैमरा में। एक यूज मुझे और याद आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट लैंप यूज करते हैं, जैसे किसी बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो कुछ ग्लू सा लगाते हैं, और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो लैंप होता है, हाँ, मसल जब पेन होता है, तो वो इन्फ्रारेड से जो जो वेव्स निकलती है लैंप से, वो मसल पे फॉल होती है, और उस हीट की वजह से मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, तो पेन कम हो जाता है। या स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि स्प्रे होता है, चोट लग गई, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो स्प्रे लगा देते हैं, तो वो पेन 1-2 घंटे के लिए खत्म हो जाता है। आइडिया है तुम्हें, अभी खेलते हुए लग जाए चोट, तो वो एक होता है उनके पास, बॉटल होती है, मुझे पता नहीं क्या कंसेप्ट होता है उसका, बट ये होता है, हाँ, तो उस स्प्रे को डाल देते, तो बॉडी पेन उस टाइम पता नहीं चलता, 1-2 आवर्स के लिए पता नहीं चलता, बाद में फिर होता है। या जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं कई बार, तो एनेस्थीसिया देते हैं, नहीं देते हैं, है ना, कि उस बॉडी पार्ट में पता ना चले, नहीं तो पेन होगा, तो वैसे मैंने देखा फिजियोथेरेपिस्ट के पास लैंप होता, तो ध्यान रखना, एग्जाम में एप्लीकेशन पूछेगा या उल्टा भी पूछ लेगा कि फॉग में मुझे फोटो खींचनी है तो कौन सी वेव यूज करोगे, तो इन्फ्रारेड, ठीक है। माइक्रोवेव का बेस्ट यूज क्या है, माइक्रोवेव ओवन, मतलब पिज्जा बनाने में, राइट, माइक्रोवेव सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जिसमें वाटर हो, और माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, इसका मतलब जब माइक्रोवेव में कोई सामान डालते हैं और उस पर माइक्रोवेव डालते हैं, अगर माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो गई तो क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल से हीट करेंगे, हीट करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करेंगे, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस हीटअप हो जाएगा। जैसे मैंने नोटिस करा है कि अगर समोसे को या गुलाब जामुन को ओवन में गर्म करो और खाओ, तुरंत खाना चाहिए, 2 मिनट वेट करना चाहिए, बाहर से तो ठीक होता है, अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो अगर तुमको ये आइडिया नहीं है तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा, और बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। या एक चीज और करके देखना, एक रोटी आज मॉर्निंग की है और एक 4 दिन पुरानी है, तो जो आज मॉर्निंग की रोटी है क्या वो थोड़ी सॉफ्ट होगी, इसका मतलब उसके अंदर वाटर होगा, 4 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है, पापड़ सी बन जाती है, इसका मतलब उसका वाटर वेपराइज हो जाता है। दोनों रोटी को मैंने ओवन में डाल दिया, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद जब मैं ओवन से निकालूंगा तो जो मॉर्निंग वाली रोटी है वो हीटअप हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बट जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रोटी है, मतलब जिसमें वाटर नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको हीटअप नहीं होना चाहिए, करके देखना, मुझे लगता है कि हीटअप नहीं होगा या बहुत कम हीटअप होगा। तो हीटिंग के लिए ज़रूरी है कि ओवन में वही चीज़ें डालो जिनमें वाटर कंटेंट हो, और ओवन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रेजोनेंस, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है, माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती है जिससे रेजोनेंस होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं ओवन में एक एक प्लेट में या एक बाउल में ड्राई आइस डाल दूं और ओवन उस पर वर्क करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, अगर ड्राई है तो, अगर थोड़ा सा वाटर डाल दिया, 100 ml वाटर डाल दिया, अब उस राइस को रखा ओवन में, तो अब अगर वाटर आ गया तो काम करेगा, रेजोनेंस सेम होने से क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या वो आसपास के मॉलिक्यूल से हीट करेंगे, हीट करने से वो क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करेंगे, उससे वो हीटअप हो जाता है, तो बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन हो गया समझो। रेडियो वेव का मेजर यूज, अच्छा नहीं, माइक्रोवेव का एक और यूज है रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग,
रेडार से हम चेक करते हैं कि एरोप्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है, कितनी हाइट पर है, किधर जा रहा है, राइट। ठीक बात है, तो मैंने इसको याद करा, कई बार कन्फ्यूजन होती थी, मैंने इसको याद करा राम से, राम से मैंने याद कर लिया। आर ए कौन है, रेडार, और एम कौन है, माइक्रोवेव। सोनार में कौन सी वेव यूज करती है, किसी को आइडिया? सोनार समझते हो क्या यूज करते हैं? सोनार का यूज है, हाँ, सी के डेप्थ को मेजर करते हैं और सबमरीन वगैरह को भी लोकेट करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सोनार से वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर सामने 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर कोई सबमरीन है तो वीटोकर वेव्स वापस आ जाएंगे, जिससे मालूम पड़ जाएगा वही एनिमी सबमरीन है, क्योंकि जो हमारी कंट्री की सबमरीन होगी वो तो लोकेटेड होंगी ना, पता होगा कौन से कहाँ पर है, तो कोई अनवांटेड अगर सबमरीन आती है तो उसको यूज करते हैं। इसका मैंने एक यूज देखा था, मूवी देखी थी अमेजॉन प्राइम में, गाजी अटैक, उसमें मैंने देखा था, दिखाते हैं काफी यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब सबमरीन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल कौन है, सोनार। ठीक है, तो सोनार में कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड वाली, हाँ साउंड वाली ये कहना चाह रहा हूँ। ये अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, लाइट टाइप वाली, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड, समझ में आया मैंने क्या बोला, मैकेनिकल वेव मीडियम जिनको चाहिए, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है सोनार वाला। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडार, तो रेडार आ सकता है एग्जाम। रेडियो वेव का मेजर यूज क्या है, टीवी में, रेडियो में, तो एग्जाम में वेवलेंथ पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है और यूजेस पूछ लेता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ मुझे याद है मैंने बता दिए। वो इंफ्रारेड से चलते हैं, जैसे कि मेट्रो वगैरह में देखा हो, स्कैनर लगा रखा होता है, या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे सामान को स्कैन करते है, नहीं करते है, क्या लेकर के जा रहे हो, तो कई बार क्या होता है, दिखाते हैं कि स्मगलर्स वगैरह बहुत सारा गोल्ड वगैरह से करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब पता कर लेते हैं। तो उसमें कौन सी वेव यूज करते होंगे, मुझे लगता है एक्सरे यूज करते होंगे, एक्सरे यूज करते हैं चेकिंग करने के लिए, मतलब कई बहुत सारे यूज है जो मैंने बताई, ये बेयर मिनिमम, इतने तो पता होने ही चाहिए। बुक्स में देखोगे तो और भी तुमको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, जैसे कि फॉरेंसिक के लिए भी यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है उनमें यूज करते हैं, चेक करना उसमें कौन सी वेव यूज करते हैं। आई थिंक इंफ्रारेड है पर मैं श्योर नहीं हूँ, चेक करना तुम लोग। ये स्पेक्ट्रम अच्छे से याद होना चाहिए, सबकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, ऑर्डर और यूजेस। अगर ये नोट कर लियो तो आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। तो कोई टॉपिक 4 लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी, और राइट साइड में क्या है, वेवलेंथ। तो ये अगर ध्यान से देखो, क्या कुछ पोर्शन ओवरलैप दिख रहा है, जैसे कि 10^19 को अगर नोटिस करो तो क्या वो गामा रेज में और एक्सरेज दोनों में आ रही है, देखा सबको मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्लियर बाउंड्री नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेव को एसोसिएट करेगी, कई बार ओवरलैपिंग भी हो जाती है। तो मुझे कौन सा याद है ऑर्डर, वेवलेंथ का, अगर तुम्हें फ्रिक्वेंसी का याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस टेबल में अगर ध्यान दो, गामा रेज पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम एंड वेवलेंथ मिनिमम, ऑर्डर देखो, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। अब रेडियो में भी देखो अलग बना दिया है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टीवी एंड एफएम, एफएम मतलब है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तुमने नोटिस करा है एफएम की रेंज क्या होती है, अभी नोटिस करना, कार में जैसे हम लोग यूज करते हैं एफएम, तो उसमें स्कैन करते हैं 88 मेगाहर्ट्ज 2108, कभी नोटिस कर लेंगे 108 के आगे कोई भी चैनल नहीं होगा, या ऐसा बोलते हैं 98.3 रेडियो मिर्ची, तो 98.3 या 5 जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या चीज़ है, फ्रिक्वेंसी है 98.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो माइक्रोवेव में के बाद देखो, रेडियो वेव मैंने बताया टीवी और एफएम होता है, फिर एएम रेडियो भी होता है,
इनकी रेंज लिखना चाहो तो लिख लो, एफएम की मैंने बताई 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, टीवी की होती है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज, एफएम की 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, टीवी की 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 डैश 54 मेगाहर्ट्ज डैश लिख देता हूं मैं, टीवी की मैंने बोली 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज और एफएम की मैंने बोली 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एग्जाम में रेंज पूछ लेते हैं। एएम की रेंज होती है 540 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज, ये एग्जैक्ट वैल्यू है या थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है? थोड़ा बहुत एट है क्योंकि ओवरलैपिंग है अगर दिख रहा हो तुम लोगों को। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसीज क्या होगी? मिनिमम एंड वेवलेंथ मैक्सिमम। तो एग्जाम में 3-4 वेव्स का नाम दे देगा, क्या क्या अरेंज करो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइदर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अगर तुमको ये सीक्वेंस याद है गामा एक्स ऐसे करके अल्ट्रावायलेट विजिबल, तो आराम से बन जाता है क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में प्रोडक्शन भी पूछ लेता है कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये स्पेक्ट्रम क्लियर हो तो मैं आगे कुछ और बताऊं। ठीक है, ठीक है, तो देखो रेडियो वेव्स सबसे पहले लिखा है, वन मार्क लिखना, प्रोड्यूस्ड बाय ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आगे मिल जाएंगी। जिनके पास ओल्ड बुक होगी उसमें चैप्टर 15 होगा, न्यू बुक में नहीं होगा, देखना एक बार। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे वन मार्क लिखा है। एग्जाम में पूछता है हाउ यू कैन प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। तो ईएम वेव्स हमने एक बेसिक बात पढ़ी थी, जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक बात बोली, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और जब भी चार्ज एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब भी चार्ज एक्सेलरेट होगा तो हम ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम में पूछता हाउ यू कैन प्रोड्यूस रेडियो वेव्स, तो आंसर मैंने क्या बताया, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और एंटीना। अगर किसी वायर में चार्ज को एक्सेलरेट कर दो तो ई एम वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, एक्सेलरेट होना चाहिए, कैसे भी एक्सेलरेट हो, अगर एक्सेलरेट हो तो ई एम वेव्स प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट बात है एक्सेलरेट है या नहीं, अगर एक्सेलरेट हो रही तो पक्का ईएम वेव्स प्रोड्यूस होगी। सेकंड, यूजेस लिखा है, देखो यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन। एग्जाम में फर्स्ट मैंने क्या बताया आ सकता है, प्रोडक्शन, सेकेंड क्या है यूज, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या एम की रेंज दी है, मैंने 540 लिखी थी, यहाँ पे कितनी लिखी 530 राइट, मैं कहता एग्जैक्ट है ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो ठीक है तो फिर 530 दिया तो 530 लिखना फिर। ठीक है, उसके बाद देखो टीवी की लिखी हुई 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज, एफएम की 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल फोन्स की अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब मोबाइल और ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, टीवी से भी ऊपर। एग्जाम में आ सकता है प्रोडक्शन, यूजेस, डिटेक्शन, कुछ भी आ सकता है, जो भी पॉइंट्स लिखे उनको देख लो, रेंज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव गीगाहर्ट्ज, इसका फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे गीगाहर्ट्ज। फिर माइक्रोवेव को हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, तो नाम पूछ लेता है कैसे, तीन मुझे नाम याद है, क्लिस्ट्रॉन वॉल,
मैग्नेट्रॉन वॉल एंड गन डायोड। ठीक है, ये मैंने बताया प्रोडक्शन, राइट। फर्स्ट वाले मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी, गीगा का मतलब है 10^+9। प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया हम लोग स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते हैं, क्लिस्ट्रॉन वॉल्स, मैग्नेट्रॉन वॉल्स एंड गन डायोड। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगाना, हमने याद करा कि रडार में कौन सी वेव यूज करते हैं, राम, मैंने बोला था राम, माइक्रो। एग्जाम में रीजन पूछता है क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है, व्हाई वी आर यूजिंग माइक्रोवेव इन रडार, आंसर है ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ, ये लिखना है। आंसर में क्या लिखना है, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर यूजिंग माइक्रोवेव इन रडार, तो द आंसर मैंने क्या बोला, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, माइक्रोवेव ओवंस, इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया, ओवन किस पे काम करेगा, रेजोनेंस पे, और जरूरी है कि जिस भी चीज को हमें हीट अप करना है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर वाटर होना चाहिए, वाटर कंटेंट होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जरूर लिखना है एग्जाम में, माइक्रोवेव रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आई होप सबको क्लियर हुआ। ठीक है, मतलब मुझे बस ये बात पता है कि हमारे पास एंटीना होता है और इस एंटीना से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव को थ्रू करते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो क्या एरोप्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आ सकता है? ठीक है, तो एक हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो टाइम है उसको मैंने हाफ क्यों लिया, क्योंकि टी बाई टू टाइम तक गया और टी बाई टू टाइम तक आया, वापस आया होगा, और स्पीड हमें पता है 3×10^8। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये गेस कर सकते हैं कि एरोप्लेन कितना डिस्टेंस है, कितनी हाइट पर है। और माइक्रोवेव का एडवांटेज क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, डाइवर्ज नहीं होती, सीधा चलती है, कोई शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से सीधा चलती है। शॉर्ट वेवलेंथ का फायदा क्या हुआ कि वो डाइवर्ज नहीं होती, सीधी चलती है। अगर डाइवर्ज हो जाएगी तो फिगर पड़ हो जाएगा, फिर एंगल पे आएगी ना। जैसे लेजर लाइट भी यूज करते हैं, लेजर लाइट को डालो यहाँ से मून तक जाती है और वापस आ जाती है, तो लेजर का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, डाइवर्ज नहीं होती। टॉर्च यूज करा तुम लोगों ने कभी, टॉर्च की लाइट कैसी होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, तो बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता टॉर्च से, बट लेजर की लाइट बहुत दूर तक दिखती है क्योंकि डाइवर्ज नहीं होती, सीधा चलती है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड, तो पहला है प्रोडक्शन, तो इंफ्रारेड कौन प्रोड्यूस करेगा, बेस्ट एग्जांपल तो सन है, इंफ्रारेड अर्थ पे आती है, हीट, इंफ्रारेड का मतलब हीट, हीट कहाँ से आ रही है, सन से, तो लिखा है इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, कभी भूल जाओ तो सन याद रखना, हॉट बॉडीज यूज प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, सेकंड, एग्जाम में कई बार पूछता है व्हाई इंफ्रारेड वेव्स इज नोन एज हीट वेव्स, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो जब इंफ्रारेड मूव करती है तो जिन भी सब्सटेंस में वाटर होता है वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्यान दिया, जैसे कि एयर में मॉइस्चर है या नहीं है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, समझ में आया ना मैंने क्या बोला, कि अगर हम बिस्किट को रख दें रेनी सीजन में तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बिस्किट क्रिस्पी रहेगा या सॉफ्ट हो जाएगा, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर, जैसे हम एसी चलाते हैं तो एसी से पानी गिरता है पीछे, तो पानी कहाँ से आता है, पड़ोसी घर से, कभी सोचा है वो पानी कहाँ से गिरता है, रूम के मॉइस्चर को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर को वाटर बना के गिरा देता है, समझ में आया। तो अगर बहुत देर तक एसी में बैठे रहेंगे तो गला सूखने लगेगा, समझ में आया मैंने क्या बात बोली, वो रूम के मॉइस्चर को खींच लेता है और उसको वाटर बना के बाहर गिरा देता है,
इसका मतलब अगर एटमोसफेयर में मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर क्या करेगा, इन्फ्रारेड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ज्यादा हीटिंग हो गई तब प्रॉब्लम, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप करती है. तो एक सर्टेन अमाउंट में ट्रैप करेगी, इट इज गुड, बट अगर जरूरत से ज्यादा ट्रैप कर रही है तो प्रॉब्लम है, जिससे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है. तो इसका मतलब अर्थ का टेम्परेचर हम चाहते हैं 30 के आसपास रहे, 100 हो जाए या -100 हो जाए, 30 के आसपास रहे, मॉडरेट रहे. 20 हो गया चल गया, 40 हो गया चल गया, अगर 60 हो गया तब 60 डिग्री पे सोचो हम सर्वाइव कर पाएंगे, एसी वगैरह फेल हो जाता है ना 50 पर, तो 60 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, डेजर्ट वगैरह में हो सकता है होता हो इतना. अगर -60 हो गया तब भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, प्लांट वगैरह ही खत्म हो जाएंगे, तो हम खाएंगे क्या फिर. इसके अलावा हमेशा हम चाहते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर है, राइट, 30 के आसपास. लॉजिकल लगा सबको, तो वो मॉडरेट टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर कैसे करता है, इन्फ्रारेड को ट्रैप करता है. कैसे ट्रैप करता है, मॉइस्चर के थ्रू, ये जो CO2 गैसेस हैं वो ट्रैप कर लेती है. ठीक है, तो एग्जाम में इसका मतलब है कि जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको हीट वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इंफ्रारेड वेव डालोगे, अगर किसी भी बॉडी में वाटर हुआ तो वाटर इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो हीटिंग शुरू हो जाएगी. जैसे मैंने कहा एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर नहीं होता तो गुड है या बैड है, ट्रैप नहीं कर पाता. तब ध्यान दिया मैंने अंडरलाइन किसको करा, रीडली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स. तो अगर एग्जाम में पूछता है Why infrared waves are sometimes referred as heat wave? Because water molecules present in most substance absorb infrared waves. ठीक है ना? एक बार बस ध्यान से सुन लो, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, एग्जाम में तुमको रिकॉल हो जाएगा. मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस एक बार सुनना है ध्यान से. ठीक है, तो वो लिखा है फॉर एग्जाम्पल CO2 NH3 ऑल्सो एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स. CO2 इसलिए याद है मुझे क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, सही बात है ना. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज इन फिजियोथेरेपी. ठीक बात है ना, और बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास लैंप होते हैं जो मसल्स में पेन होता है तो उसको रिलैक्स कर देते हैं. फोर्थ पॉइंट, इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ वार्म्थ. ठीक है, जिसकी हमने बात करी प्यार का टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा है तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कार को हम मई जून में धूप में खड़ी कर दें 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद कार खोलो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होती है, हम बैठ ही नहीं सकते, चारों गेट खोलने पड़ते हैं 2 मिनट तक, तब उसके बाद थोड़ा मॉडरेट होता है, और 10 मिनट तक एसी का भी पता नहीं चलता, उसके बाद धीमे धीमे महसूस. तो इसका मतलब कार बहुत ज्यादा गर्म होती है, कभी रूफ पे हाथ रख के देखना, समझ में आएगा मैंने क्या बोला, मतलब मैंने करके देखा हुआ है, मेरे दिमाग में तो जो आइडिया आता है मैं चेक करता हूँ उसको, प्रोसेस रिवाइज करता हूँ, तो देखा बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अंदर तो बैठ के लगता ही गर्मी होगा बट अगर ऊपर हाथ रखोगे तो बहुत ज्यादा गर्म होती पता चलेगा. सीट पे बैठने में तो दिक्कत होती है बट अगर तुम अगर हाथ रखोगे ना तब तो मैं समझ में आएगा मैंने क्या बात बोली, बहुत ज्यादा गर्म होती है. तो उसका रीजन क्या होता है कि ग्लास होता है कार में, उस ग्लास से क्या होता है विजिबल लाइट अंदर आ जाती है, जब अंदर आ जाती है तो जब वो वापस जाती है तो आते टाइम वो कैसी है, विजिबल, बट जब वो वापस जाती है तो उसकी एनर्जी को जो कार के अंदर मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे, तो एनर्जी कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, तो आते टाइम तो वो विजिबल है, जाते टाइम वो इंफ्रारेड बन जाती है. ग्लास विजिबल को तो आने देता है, इंफ्रारेड को जाने नहीं देता. अगर वो ग्लास ऐसा हो जो जो इन्फ्रारेड को भी जाने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्फ्रारेड को जाने नहीं देता, इससे वो सारी इन्फ्रारेड क्या होती है, अंदर ट्रैप हो जाती है, इससे कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. तो कोई अगला पॉइंट पढ़ू, इनकमिंग विजिबल लाइट विच पासेस रिलेटिवली इजली थ्रू एटमोसफेयर इज एब्जॉर्ब बाई अर्थ सर्फेस एंड री रेडिएटेड एज इन्फ्रारेड. ध्यान दिया,
आते टाइम कौन है? विजिबल लाइट. अर्थ के सरफेस से जाते टाइम कौन है? इंफ्रारेड. तो एटमॉस्फेयर जाने देता नहीं जाने देता? दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस. कैसे? उनको ट्रैप कर लेते हैं या क्लाउड वगैरह भी उसको वापस भेज देते हैं. सनी डे है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर क्लाउड है तो रेज आ तो जाती है, जा नहीं पाती, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती. क्लाउड वाली बात समझ में आई मैंने क्या बोला? आज की सरफेस से वेव्स टकराई विजिबल, टकराने के बाद जब वो वापस जा रही थी क्या बन गई? इन्फ्रारेड. अब अगर उनको कोई नहीं रोक रहा तो वापस चले जाएंगे स्पेस में, बट जब वो वापस जाती है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? उनको ट्रैप करता है, और अगर क्लाउड है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हें आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ, क्लाउड भी रोल प्ले करते हैं हीटिंग में. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है. इन्फ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड ऑब्जर्विंग ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. तो मिलिट्री वाले यूज करते हैं नहीं करते इस कॉन्सेप्ट को? चेक करते हैं, मतलब हीट के बेसिस पर चेक कर लेते हैं. जैसे कि एक ऐप आता था गूगल अर्थ, किसी ने यूज करा कभी? समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, काफी कुछ बता देता है उसमें, लोकेट हो जाता है. या गूगल मैप जो हम यूज करते हैं वो भी तो काफी कुछ बता देता है इंफॉर्मेशन. सैटेलाइट से तो यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इसमें तुम अंडरलाइन कर लो किसको? रिमोट को, राइट. रिमोट में हम किसको यूज करेंगे? वाईफाई हो, वाईफाई, वाईफाई. ठीक है, विजिबल लाइट पे क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, राइट. मैंने वेवलेंथ बताई थी 400 टू 700 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी को भी अंडरलाइन कर लो. अच्छा, वेवलेंथ भी लिखी हुई है. स्नेक के कान होते हैं नहीं होते हैं? बताओ भाई. कान नहीं होते, जब वो कहते नहीं स्नेक को बीन बजाओ तो ऐसा ऐसा करता है तो जो फूकते हैं तो उस बीन में क्या होते हैं? होल होते हैं, और जब हम फूकते हैं तो क्या हॉट एयर निकलती है, तो वो हीट को सेंस कर रहा होता है. समझ में आया? स्नेक क्या करता है? हीट को सेंस करता है. तो अगर तुम दौड़ रहे हो तुम्हारे पीछे स्नेक भाग रहा है तो उसको दिखाई ज्यादा पड़ता है या दिखता भी कम है? दिखता भी कम है स्नेक को, वो हीट के सेंस पे चलता है. हमारी बॉडीज जो हीट निकलती है उससे वो फॉलो कर लेता है. इसका मतलब स्नेक मेनली किस पे काम करता है? हीट पर. ठीक है, स्कॉर्पियन का किसी को आइडिया कैसे पकड़ता है? नॉर्मली स्कॉर्पियन कहाँ मिलते हैं? सैंड में, है ना, सैंड में डेजर्ट में. मतलब और डेजर्ट में फूड इजीली अवेलेबल होता होगा या काफी मुश्किल से? तो इसका मतलब उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता होगा. तो अगर एक स्कॉर्पियन सामने देख रहा है और इंसेक्ट पीछे, तो अपने उसके 6 या 8 जो भी ले होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, 6 होते हैं. ठीक है, 6 है. तो जो पीछे ले लेग से पकड़ लेगा इंसेक्ट को, तो देख नहीं रहा तो पकड़ कैसे रहा है वो? अगर इंसेक्ट रुका हुआ है तो नहीं सेंस कर पाएगा, बट जब इंसेक्ट चलता है तो वेव प्रोड्यूस होती है, उस वेव को सेंस कर लेता है, और जहां से वे प्रोड्यूस हो रही वहीं पर ऐसे हाथ मारता है, पकड़ लेता है. तो जब इंसेक्ट चलेगा तो क्या सैंड स्लिप होगी? उससे वे बनती है. इसका मतलब अगर कोई चीज समझ में आया, मैंने क्या बोला कि अगर सामने देख रहा तो पीछे कैसे पकड़ेगा? तो वो वेव को सेंस कर लेता है कि वेव यहाँ प्रोड्यूस हो रही है. नहीं नहीं वो अलग वेव होती, अलग वेव होती. हाँ होती होगी, बट उसको सेंस करना काफी मुश्किल काम है ना. हाँ, हीट वेव मतलब इंफ्रारेड. सर जैसे आप बीन पर बताए थे वो इंफ्रारेड. ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट, राइट. ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा हाउ टू प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट, तो क्या लिखोगे? स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज, ये इसका प्रोडक्शन है. ठीक है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है जिसको ओजोन लेयर क्या करती है?
ट्रैप कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती, तो हमारे पास तक अल्ट्रा वायलेट बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम? बहुत कम, ओजोन बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर डेली 2 घंटे धूप पे हम खेलते हैं तो 1 मंथ के बाद अगर हम अपने हाथ को देखें शर्ट उठाकर, तो डिफरेंस महसूस होगा या नहीं होगा? जो खेलते होंगे उनको दिखता होगा मैं जो बोल रहा हूँ, होता है नहीं होता कि अगर तुम ऐसा उठा के देखो तुम्हें डिफरेंस बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर महसूस होगा, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है? टैन हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर एक्सपोजर है यूवी को तो गुड है, बैड है? बैड है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए यूवी रेज में। यूवी रेज जब हमारी स्किन पर फॉल होती है तो स्किन में मेलानिन होता है, वो मेलानिन स्प्रेड होना शुरू हो जाता है जिससे स्किन टैन हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एब्जॉर्ब इन ओजोन लेयर, अंडरलाइन करते जाना जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा ओजोन लेयर का क्या काम है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ठीक है। तो टैनिंग वाली बात करी गई है पॉइंट नंबर 4 पे, प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन कॉजिंग टैनिंग ऑफ स्किन। अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो टैनिंग होगी या नहीं होगी? ग्लास, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कार के अंदर बैठे और ग्लास के थ्रू रेज आ रही है तो हमें गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, बट टैनिंग नहीं होगी, क्योंकि वो जो ग्लास होता है वो यूवी रेज को रोक देता है, ठीक है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? जो ग्लास होता है ना वो इंफ्रारेड को तो पास कर देता है, यूवी को नहीं पास करता। अगर हम ओपन ग्राउंड में खेल रहे हैं तो स्किन डार्क होगी या नहीं होगी? होगी, पर अगर बहुत बड़ा ग्लास का एक स्टेडियम है तो नहीं होगी, ये बोलना चाह रहा हूँ, ग्लास यूवी को नहीं पास होने देता। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 भी आना चाहिए, यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई ऑर्डिनरी ग्लास। तो ग्लास के थ्रू हमें सनबर्न या टैनिंग नहीं होगी, राइट। पॉइंट नंबर 6 पे इंपॉर्टेंट लगाना, ये बहुत पूछते हैं। तो मैं से किसी ने वेल्डिंग मशीन देखी यूज करते हुए, ठीक है, तो नॉर्मली बच्चों को बहुत मजा आता है क्या देखने में? तो अगर कहीं वेल्डिंग हो रही हो तुमने 5 सेकेंड तक देखा तो शायद प्रॉब्लम ना हो, बट अगर तुमने 1 मिनट तक देख लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम 5 मिनट बाद होगी या रात में होगी? रात में सोते टाइम प्रॉब्लम समझ में आती है, आईज में बहुत पेन होता है, बंद ही नहीं हो रही होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? उस टाइम तो ठीक है, इतना ज्यादा लाइट आ जाती है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, 2-3 मिनट्स के बाद तो दिखना ठीक शुरू हो जाता है। बट मैंने क्या बोला, अगर बहुत ज्यादा देख लिया, कभी करना नहीं, मतलब सब कुछ मैंने करा नहीं, बट ऑब्जर्व करता रहता ना, मैं पूछता रहता हूँ क्या है दिमाग, जैसे कोई बात है मैं पूछता हूँ क्या होगा इससे, तो बताया किसी ने कि भाई अगर तुम ज्यादा देखोगे ना तो रेस आइस में फॉल हो रही थी हमें पता नहीं चलता, पर जब हम रात में सोते हैं हम सो ही नहीं पाएंगे, पलक को बंद ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा पेन हो रहा होता आइस में। हाँ, बट जो मैं ये पेन कह रहा हूँ ये अनबेरेबल है, बंद ही नहीं कर पाओगे, ऐसे करके लेटे रहोगे अजीब सा नहीं लगेगा, आगे बंद ही नहीं कर सकते, तो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यूवी आइस पे फॉल हो या ना हो, मतलब नहीं करना चाहिए ये सारे काम। इक्लिप्स वगैरह जब होता तो अलग से स्पेशल गॉगल्स इसीलिए दिए जाते हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखना चाहिए। तो वो गॉगल का काम क्या है, एक मास्क टाइप का होता है, जो मैंने देखा वो मास्क से करते हैं, या बहुत डार्क शेड का गॉगल होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डार्क, तो उसका काम क्या होता है कि जो यूवी रेज निकल रही है वो आंखों में फॉल हो या ना हो, क्योंकि अगर आंखों में फॉल होंगी तो प्रॉब्लम होगी इससे, नॉर्मल जो स्पेक्स होते हैं वो रोक नहीं पाते, तो बहुत ही डार्क कलर के काफी बड़े बड़े होते हैं, किसी ने अगर देखा हो, या एक मास्क होता है, मास्क पहन के भी वेल्डिंग करते हैं, मेटल का कुछ होता है वैसा, पूछ के देखना उनसे, नहीं उनसे पूछ के देखना ना कि वेल्डिंग करते टाइम वो पहनते हैं नहीं पहनते हैं, पूछ के देखना, हो सकता है 1-2 मिनट की वेल्डिंग से फर्क ना पड़ता हो, पर अगर 10 मिनट तक वेल्डिंग करते हैं जिसका काम ही वेल्डिंग करना, उनसे पूछ के देखना वो बताएंगे, तो प्रॉब्लम होती है नहीं। तो वेल्डिंग भी 2 टाइप की होती है ना, एक गैस वाली होती है और एक कुछ कार्बन वाली कुछ होता है बस, इलेक्ट्रॉनिक वाली कुछ, 2 टाइप की होती है, गैस वाली और इलेक्ट्रिक वाली, तो मैं भी शायद एक में ना होता हूँ, तो किसी वेल्डिंग जो करता है उससे पूछना तो वो बिल्कुल सही बता देगा।
मतलब मैंने पूछा था तो उसने बोला था नहीं भैया हम तो हमेशा पहन के करते हैं, उसने मुझसे बोला था हमेशा पहन के करते हैं। कार का पीछे का बम्पर होता है ना कई बार खराब हो जाता है, तो मैं एक बार वेल्डिंग कराने गया था, उसने तो पहन कर ही करा मेरे सामने। मैंने उससे पूछा नहीं पहनूंगा तो, उसने कहा नहीं मैं तो पहन के करता हूँ हमेशा। मतलब वो हमेशा करता ही होगा, उसको पता होगा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रहेगा ना वेल्डिंग वाला। वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी। ठीक है, नेक्स्ट है लेसिक। ठीक है ना, लेसिक में कौन सी वेव यूज कर रहे हैं हम लोग, यूवी। नेक्स्ट है यूवी लैम्प्स किल्स जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, वाटर प्यूरिफायर वाली बात हमने कर ली थी। उसके बाद है एक्सरेज। ठीक है, तो वेवलेंथ इन्होंने कितनी बताई है, ध्यान देना 10 नैनोमीटर टू 10^-3 नैनोमीटर। और जो हमने टेबल में लिखी थी एग्जैक्ट थी या थोड़ी डिफरेंट थी, ध्यान दो देखो कॉपी में, डिफरेंट थी। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और लिखा है और नीचे देखना टेबल में कुछ और लिखा है। टेबल में देखो क्या लिखा है, मैंने चेक करा होगा ना। एक्सरेज 1 नैनोमीटर टू 10^-3 नैनोमीटर, दिख रहा है ना सबको। तो मैं कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान दो। तो जो ये वैल्यूज हैं एग्जैक्ट हैं या राउंड ऑफ है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे इम्पोर्टेंट लगाना, एग्जाम में पूछता है हाउ यू कैन प्रोड्यूस एक्सरेज। जब हम फास्ट इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं मेटल पे तब एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड पॉइंट पे इम्पोर्टेंट बोला है जनरेट एक्सरेज टू बम्बार्ड अ मेटल टारगेट बाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ तक मुझे याद है वो मेटल मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम के ऊपर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को फायर करोगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ना याद हो कोई बात नहीं, मेटल बोल देना। फास्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट मेटल टारगेट एक्सरेज आर प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट, हाँ बेटा, गामा, गामा न्यूक्लियर बॉम्ब में गामा रेस। गामा रेस हमारी स्किन के लिए हाईली डेंजरस है, टिश्यूज को सेल्स को सबको खत्म कर देती है, बैक्टीरिया तक नहीं बचता। ठीक बहुत प्रिसाइज और बहुत लिमिटेड अमाउंट में करते होंगे ना, मतलब उसकी भी बहुत ट्रेनिंग दी जाती होगी, ऐसे थोड़ी नहीं कि और एक्सरेज डाल दी गामा रेस डाल दी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और वो भी बहुत एक सर्टेन अमाउंट में डालते होंगे प्रिसाइज। ठीक है, एक्सरेज में तो लिखा है सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। और देखो ये भी लिखा है ना अवॉइड अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर, अदरवाइज ज्यादा एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। एक्सरेज उनको कुछ प्रिकॉशन पता होता होगा ना, उनको जैसे अल्ट्रासाउंड उसमें तो अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, बट जो एक्सरेज यूज करते हैं ना वो भी दूर से करते हैं, मतलब वो भी टेक्निक होंगी, पास नहीं होते ना, दूर से बटन से करते हैं और पीछे वॉल होती है तो गैप होता है काफी उसमें, मतलब प्रिकॉशन तो डेफिनेटली होता ही होगा। कोई डिस्टेंस होती होगी, एक सर्टेन डिस्टेंस से बाहर हो तो वह इफेक्ट नहीं करता होगा, वो कैलकुलेटेड होगा। या इंटेंसिटी होती है, जैसे हम लोग एमआरआई करवाते हैं तो कभी देखना एमआरआई में ऐसा होता है कि एमआरआई कितने टेस्ला का करवाना है पूछते हैं, 1.5 टेस्ला का या 3 टेस्ला का। तो अगर मैं ज़्यादा टेस्ला का एमआरआई करवा रहा हूँ तो कॉस्ट बढ़ जाती है क्या, इसका मतलब वो हाई इंटेंसिटी बीम यूज़ करते होंगे उसमें, 3 टेस्ला वाला ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब जो मशीन यूज़ करते हैं वो मशीन में क्या होता है, बाहर एक कवरिंग करते होंगे जिससे बाहर ना आने पाए, अदरवाइज जो कर रहा है उसको भी तो एक्सपोजर मिलेगा, प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ तो लगाते होंगे। मतलब जो रेडियोलॉजी करते हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से, बट डेफिनेटली यूज तो करते हैं, अदरवाइज जो रेडियोलॉजी करेगा उसको तो एक्सरे करना ही डेली है, कुछ ना कुछ होगा सिस्टम। मेरे हिसाब से डिस्टेंस होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इनइफेक्टिव हो जाती है। उसका एक मुझे फॉर्मूला पता है, ऐसा होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस बी एक्स, एक्सपोनेंशियल फर्क पड़ता है। तो जब एक्सरे जाती है तो ब्लॉक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल, समझ में आया मैंने क्या बोला, बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगी, समझ में आया। इसका मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई और एक सेकंड डिस्टेंस का खत्म हो जाती है, तो वहां पर वॉल वगैरह में कुछ ऐसा लगाते होंगे जो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। ये एक्सरसाइज के यूजेस हैं, एक्सरसाइज का और यूज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या मेटल की बहुत बड़ी बड़ी शीट की जरूरत पड़ती होगी, सपोज किसी को शिप बनाना है, तो अगर उस जो आपने मेटल यूज करा उसमें क्रैक है तो गड़बड़ हो जाएगा क्या, उनमें भी एक्सरसाइज डालते हैं, चेक करते हैं कि कुछ क्रैक तो नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ये बात भी लिख लो, चेक क्रैक्स इन शीट्स। और मैंने कहा बुक्स में देखोगे ना तुम्हें और भी बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, गामा रेज देखेंगे, एक्सरेज में मैंने बोला था चेक क्रैक्स इन मेटल शीट्स, ऐसा देख। तो गामा रेज की वेवलेंथ क्या बोली है, मैंने बोली थी लेस देन 10^-3 nm, राइट। ठीक है, अंडरलाइन करना, प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। तो गामा रेज का मेजर दो सोर्स क्या है, एटम बम मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, और दूसरा मैंने क्या बताया, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। शायद हो सकता है तुमने कभी पढ़ा हो केमिस्ट्री में अल्फा बीटा गामा रेज, समझते हो, लेड के बाद वाले जैसे होते हैं यूरेनियम है, तो यूरेनियम से क्या होता है अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होती है जो डेंजरस होती है हमारी स्किन के लिए, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वही गामा रेज। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, बट उन्होंने क्या करा था कि किसी प्रिजनर को उनको क्या करना था, मारना था, बट अलाउड नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, रेडियोएक्टिव पेंटिंग करवा दी काफी पहले, मतलब मोर देन 100 ईयर्स पहले की कोई स्टोरी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी मुझे याद नहीं, बट ये बात समझ में आया कि रूम में अगर रेडियोएक्टिव पेंट लगा दिया तो जो पर्सन उस रूम के अंदर रहेगा धीमे 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 उसकी क्या होगी, मतलब गामा रेज की वजह से जो रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है धीमे 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 डिटोरिएट होता जाएगा क्या, तो धीमे धीमे आफ्टर 2-3 मंथ्स डेथ हो जाएगी, टाइम का मुझे आइडिया नहीं, बट डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा एक न्यूज में भी आया था कुछ टाइम पहले, अराउंड 3-4 ईयर्स पहले, कि कबाड़ी वाला था, उसने हॉस्पिटल से कहीं से कुछ कबाड़ खरीदा था, उसे 2-3 दिन बाद डेथ हो गई, पहले दिन उसके सारे बाल उड़ गए, 2-3 दिन बाद डेथ हो गई। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम हुआ उसको किसी ने कोबाल्ट 60 भेज दिया था कबाड़ में, कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव होता है, और उसने कबाड़ समझ के घर में लाके रख दिया होगा, मतलब जहाँ रखता होगा और उसके आसपास ही रखा होगा, तो उससे क्या हो रहा था, इनविजिबल गामा रेज निकल रही थी जो उसकी बॉडी को अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो बाल उड़ना समझ में आया ना, पहला सिम्टम यही होता है, बाल सारे उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ग्रेफाइट तो अब्सॉर्ब करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगी भी आगे आएगा, वो चैप्टर है पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट यूज मैंने क्या बताया, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ठीक है, ये टेबल देखो मैंने बता दी तुम लोगों को, देख लो प्रोडक्शन और डिटेक्शन भी देख लो, क्रिस्टॉन वॉल, पॉइंट कॉन्टैक्ट, मैग्नेटॉन वॉल और गन डायोड। ठीक है, आई थिंक हमने क्वेश्चन कर लिया, फिर भी मुझे बता दो एग्जांपल 15 में क्या करोगे, हर ईएम वेव्स में क्या चीज कॉमन है, स्पीड इन वेक्टर। हर ईएम वेव्स का कॉमन प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, हर ईएम वेव की स्पीड वैक्यूम में सेम हो, T1 मार्क में आता है। ठीक है ये सब क्वेश्चन हमने कर लिए, तो बस एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, 18 बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ डी पार्ट का आंसर बताओ, डी पार्ट का एब्सॉर्ब यूवी रेस, दैट्स इट। ठीक है ना, ई पार्ट का आंसर बताओ, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आई से जाएगी, मतलब -100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करता है, ग्रीन हाउस, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ग्रीन हाउस नहीं होगा,
तो कोल्ड हो जाएगा, जो भी हीट आएगी वो वापस चली जाएगी, ट्रैप ही नहीं होगी। तो -100 आई से समझ में आया ना क्यों बोला एफ पार्ट। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है और 10-20 एटम बॉम्ब फेंक दिए गए, तो तुमने कभी कोई ऐसी फोटो देखी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक मशरूम का शेप बनता है? देखा है तुम लोगों ने कई फोटो? तो बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड होता है। अगर 10-20 बॉम्ब कभी ना फेंके जाए तो अच्छी बात है, बट बाई चांस ऐसा होता है तो क्या होगा? ग्लोब के चारों तरफ वो क्लाउड कवर कर लेगा, तो सनरेज अंदर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? अगर सनरेज का आना बंद हो गया, समझ में आया? अगर अगर एक लेयर बन जाती है ग्लोब में जो सनरेज को नहीं आने दे रही है, तो धीमे 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 क्या होगा, विंटर्स आ जाएंगी। ठीक बात है ना? तो इसका मतलब न्यूक्लियर विंटर आ जाएगी, इसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर, समझ में आया? एटम बॉम्ब हाईली डेंजरस क्यों है? कई तरीके के साइड इफेक्ट है। पहला, जहां पे फेंका वहां नेक्स्ट 50 ईयर्स तक कुछ नहीं हो सकता। जापान में जो थ्रो करा गया था, अभी भी लोग वहाँ नॉर्मल नहीं होते, जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं वहाँ पर, मतलब बच्चों की बर्थ नॉर्मल नहीं होती, हाईली डेंजरस। और मोर देन 70-80 ईयर्स हो गए, 1945 के आसपास थ्रो करा था, 2022 चल रहे, समझ में आया सबको? या चेर्नोबिल का किसी को आइडिया, और रशिया में जो हुआ था, तो इसका मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट रहता है उसका। और दूसरी बात, जो क्लाउड क्रिएट होता है उसका साइड इफेक्ट क्या है? आईसीज ला देता है उसमें, न्यूक्लियर विंटर आ जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन इसीलिए यूज नहीं करना चाहिए। अब सी पार्ट का आंसर कोई बता सकता है मुझे? मतलब वो इसलिए नहीं ट्रैप करता कि हमारे लिए गुड है या बैड है, वो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है वो, थिकनेस इंपॉर्टेंट बात होती है। तो सी पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? मतलब वैक्यूम में तो नहीं खत्म होंगी ना, वैक्यूम में नहीं खत्म होगी, कोई मीडियम चाहिए अब्सॉर्ब करने के लिए। तो जो लोग एक्सरे करते हैं, जो डॉक्टर्स, तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वहां ऐसे मटेरियल्स यूज करे जाते होंगे कि एक्सरे को क्या कर ले, वो बॉडी से पास होते पीछे अब्सॉर्ब कर ले वॉल पे। इसका मतलब नॉर्मल वॉल नहीं होती, उसके पीछे कुछ लगाते हैं कवरिंग। उस कवरिंग का काम क्या होता है? एक्सरेस को अब्सॉर्ब करो, आगे मत पास होने। तो सी पार्ट का आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? बिकॉज एक्सरे इज अब्सॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, मेन बात ये है, ये लिखना है आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। तो ध्यान देना, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइडिया है कुछ? तो जब हम रेस को भेजते हैं, तो जो हमारी ये शॉर्ट वेव्स हैं, ये आयनोस्फेयर से क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आयनोस्फेयर क्या करता है? शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्वेश्चन क्या था? लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर। तो बस आंसर में क्या लिखना है? रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फेयर, ये वर्ड लिखना है। वेव्स गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, 100-200 किलोमीटर चली गई आगे। जैसे कि डायग्राम जो मैंने बनाया, ट्रांसमीटर यहाँ पर है, रिसीवर 100 किलोमीटर दूर है, तो सैटेलाइट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? तो कॉस्ट कम हो गई, हमने एटमॉस्फेयर को यूज कर लिया। बट ये कौन सी वेव यूज कर सकते हैं? शॉर्ट वेव बैंड्स, मतलब बिलो, लिख लो ये 14, लिख लो बिलो 40 मेगाहर्ट्ज़।
40 मेगाहर्ट्ज से कम वाली ही यूज कर सकते हैं। अब टीवी की रेंज मैंने क्या बताई थी 54 to 890, तो मैं टीवी में यूज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भी सेटेलाइट यूज करनी पड़ेगी। बी पार्ट देखो, इट इज नेसेसरी टू यूज सेटेलाइट फॉर टीवी बिकॉज टीवी सिग्नल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर। सेटेलाइट यूज करना चॉइस है या मजबूरी है, क्योंकि आयनोस्फीयर नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज टीवी सिग्नल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर। सेम ही था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि चैनल तो वही चलते थे जो अभी आते हैं। एक मिनट होल्ड करना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अभी तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब अगली क्लास से ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब लोग अपनी सेकंड बुक लेकर के आना, मॉड्यूल या फिर लेकर आना।